इससे पता चलता है कि खुदावंद की ग्रेस उसका अनुग्रह यहां भी है। इससे प्रूफ होता है एक बंदे को सुनता नहीं, वो बोलता नहीं, फिर भी उसके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत है। उसे शुगर का रोग, शुगर की बीमारी बता दे जी। एक साल से शुगर की प्रॉब्लम और प्लस रात के समय इनको बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता था। एक साल से शुगर की प्रॉब्लम थी और बहुत बार रात को उठकर बाथरूम जाना। उसके साथ इनको चक्कर भी आते थे। उसके साथ उसको चक्कर भी आते थे। सिस्टर का नाम रानी है और जजनाला रोड लक्ष्मी नगर गाँव के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही जे बता रहे हैं कि इन्होंने बताया इनकी फैमिली ने, क्योंकि इनको एक साल से शुगर की प्रॉब्लम थी और जिसके कारण इनको रात के समय काफ़ी बार वॉशरूम जाना पड़ता था और प्लस इनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे। और जैसे जे सिस्टर मीटिंग में आ रहे थे, क्योंकि जे बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, और पर जब भी परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे तो इनके सिस्टर इनके साथ आते थे, वो भी विश्वास करते थे। पर जे जानते थे इतना कि जहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती, जैसे वो इनको बताते थे तो जे बता रहे कि इनको तो पता नहीं चलता, क्योंकि जे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते कि परमेश्वर के दास के द्वारा क्या वर्ड्स आ रहा है। पर सच में जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह, अपनी कृपा इस बहन के जीवन में की। उस ग्रेस के द्वारा ही परमेश्वर ने, जो इनको एक साल से शुगर की प्रॉब्लम थी, रात के समय बहुत बार इनको वॉशरूम जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा इनको चक्कर आते थे, और जे बता रहे कि परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया है। तो सच में आज ये पूरी तरह फ्री है। आज फ्री हो ना? तो सच में अभी जे बता रहे कि जे पूरी तरह से फ्री है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीस से अपने हाथों को उठाते हुए। यीशु ने शूले आए जदोदा। यहाँ पे हम एक गवाहियां सुन रहे थे, तो सुबह में एक गवाही मैं भी सुन रहा था। एक सिस्टर जो गूंगी है, ना वो बोलती और ना उसे सुनता है, पर खुदावंद ने फिर भी उसके जीवन में बड़ा काम किया। सुनी गवाही, सुनी सबने गवाही, बोलो क्या? वो गूंगी ना तो उसे सुनता है ना वो बोलती। अब मैं क्या बोलता हूं जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो वो तो उसे तो सुनता नहीं। बोलो क्या? उस बहन को आगे थोड़ा सा लेकर आओ। कितनों को समझ आ रही है? इससे पता चलता है कि खुदावंद की ग्रेस उसका अनुग्रह यहां भी है। इससे प्रूफ होता है एक बंदे को सुनता नहीं, वो बोलता नहीं, फिर भी उसके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत है। उसे शुगर का रोग, शुगर की बीमारी बता दे जी। एक साल से शुगर की प्रॉब्लम और प्लस रात के समय इनको बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता था। एक साल से शुगर की प्रॉब्लम थी और बहुत बार रात को उठकर बाथरूम जाना। उसके साथ इनको चक्कर भी आते थे। उसके साथ उसको चक्कर भी आते थे। और अभी जिसको सुनता भी नहीं, यहाँ से आने से उसकी क्रेज से, क्योंकि परमेश्वर देखता है आपको, आपको बुद्धि है, आपके पास परमेश्वर आपको देखता है। जिसको सुनता नहीं उसको परमेश्वर एक साल की उस बीमारी से, जो रात को उठकर बाथरूम वॉशरूम जा रही है, सिर में चक्कर आते हैं, उसको परमेश्वर हील कर रहा है, चंगा कर रहा है। तो तुम तो चंगे भले हो, तुम्हें तो सब कुछ सुन रहा है। क्यों? यीशु ने कहा जिसके कान है फिर वो सुने। कई बार इसका मतलब क्या है? इसके तो है भी नहीं, इसे तो सुनता भी नहीं है। पर जो जिस मन से, जिस दिल से, जिस चाह से, अब परमेश्वर जानता है ना किस मन से ये आई, किस चाह से ये यहाँ पे बैठती है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ इसे तो सुनता नहीं, पर भाई ये अपने हिसाब से, उस दिल से, क्योंकि कनेक्शन तो दिल से ही है। जो मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये पता नहीं क्या क्या मन में बोलती है, क्या रिसीव करती है। उसी मन से खुदा ने इसकी, अगर खुदा ने इसकी ये प्रॉब्लम कर दिया, देखना इसके बंद कान भी खोल देगा, इसकी बंद जुबान भी खोल देगा। तो खोल देगा, खोल देगा, क्योंकि मेरे से नहीं ना। जब खुदावंद ने जब चाया और मुझे इस्तेमाल किया, ऐसे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा।
पर ये बुद्धि और मेरे बल से नहीं होगा, खुदावंद के रूह से होगा। और जिस दिन ये हुआ तुम देखना आसानी से हो जाएगा। और उसके पीछे एक रीजन है, वो हम हैं, हम में। जब तक हम हमारे अंदर वो चाहत नहीं, प्यास नहीं उस चीज को लेने के लिए, तो नहीं ले सकते, नहीं हो सकता। समझ आ रही है? इसको सुनता नहीं परमेश्वर, उसकी बीमारी से उसे हील कर रहे हैं, उसे चंगा कर रहे हैं, तो तुम्हें नीचे कर सकता। इसलिए उसने कहा जिसके कान है वो सुने। कान तो सबकी, पर किस मन से सुन रहे हो, किस मन से उन बातों को मनन कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। तारीफ कर दो जोर से, तारीफ कर दो जोर से, जोर से।